अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस हफीज़ा हूँ और आज मैं आप लोगों को हम्द पढ़ा रही हूँ और स्टडी पैक में भी मैंने आपको हम्द का काम दिया हुआ है। तो आज चलें पहले हम्द पढ़ते हैं। हम्द है सफ़ा नंबर 6 पर, ठीक है। चलें सफ़ा नंबर 6 खोलें। तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहाँ का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमान पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब संवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं, भूले भटकों का रहनुमा तू है, ना उम्मीदों का आसरा तू है, सबके दुख दर्द की दवा तू है, अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तेरे आगे ही सर झुकाते हैं, तुझसे ही दिल की मुराद पाते हैं। ये हम्द लिखी है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने, ठीक है। अब हम के बाद हम करेंगे काम तशरीह। तशरीह लिखेंगे, तशरीह में सबसे पहले हम लिखेंगे थोड़ा शायर का तारुफ। मैंने शायद आप लोगों को काम दिया हुआ है शायर का तारुफ, तो आपको कॉपी में भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुख्तसर बताना चाह रही हूँ सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के बारे में। तो उसका तारुफ है, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम इंडिया के शहर अमृतसर में 4 अगस्त 1899 में पैदा हुए। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 20वीं सदी के शायर थे। इनका कलमी नाम तबस्सुम था। वो बच्चों की नज़में टूर बोर्ड की तख्लीक कार और बहुत सी नज़मों के मुतरजम, ख़ास तौर पर फारसी और पंजाबी जबानों के मुतरजम की हैसियत से बहुत मशहूर थे। सूफी गुलाम